So after understanding cost of debt, that means cost of debenture, and taking the exercise how to find cost of redeemable debentures, now we are moving towards the second source of fund, that is the preference share. Companies also collect fund by way of preference shares. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में हम आगे जाते हैं। तो कोई भी कंपनी होती है दो तरह के शेयर इश्यू कर सकती है, एक तो होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब दोनों में डिफरेंस कैसे निकाले, तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड दिया है वो फिक्स होता है। तो आप प्रेफरेंस शेयर जब भी देखोगे तो उसके साथ एक परसेंटेज लिखा होता है, जैसे कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 10% डिविडेंड का परसेंटेज है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसके ऊपर डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी शेयर जो होता है उसके साथ परसेंटेज नहीं होता है, खाली इक्विटी शेयर्स लिखा होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, ज्यादा कम। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो मिलेगा ही। तो प्रेफरेंस शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक गारंटी रहती है कि डिविडेंड मिलेगा ही, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर कोई साल कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे पाती है तो उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है प्रेफरेंस शेयर पे, एंड इन द लेटर स्टेज दे प्रोवाइड डिविडेंड। सो इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जैसे हमने डिबेंचर्स देखा तो डिबेंचर्स में हमने देखा कि डिबेंचर का पैसा कुछ साल के बाद वापस किया जाता है, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी कुछ सालों के लिए इश्यू कर सकती है, जैसे कि फॉर 10 years, तो आफ्टर 10 years देयर अमाउंट विल बी रिडीम। पर कुछ प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कंपनी के साथ लाइफ टाइम रहते हैं, जब तक कंपनी है तब तक वो अमाउंट रहेगा वहां पर, तो वो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हम बात कर रहे थे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स डिविडेंड है, इक्विटी पे वो डिविडेंड नहीं है। और जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी, बाद में अगर प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। और ये जो डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को, दैट इज नॉट एक्सपेंस, दैट इज दस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेंस अलग चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज होता है। जब कंपनी का प्रॉफिट फाइंड करना हो तो एक्सपेंस में हम डिविडेंड को नहीं लिखेंगे, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे, हम डिविडेंड दे रहे हैं, और डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन फॉर द डिविडेंड। सेकंड थिंग, व्हेन द कंपनी इज क्लोज डाउन, मान लो कोई कारण से कंपनी को बंद करना पड़ा, कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया गया, तो इन दैट केस क्या होता है, कंपनी के जितने भी फंड प्रोवाइडर है उनको फंड वापस किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस कर देंगे, बैंक को बैंक लोन का पैसा वापस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल वापस करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों ने रुपया दिया था, अब कंपनी बंद हो गई तो पेमेंट करना पड़ेगा वापस। सबसे पहले डिबेंचर को पेमेंट करेगी, डिबेंचर के बाद पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और बाद में पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस इन कलेक्शन ऑफ कैपिटल
at the time of liquidation of the company. And that's why they have two preference. One preference, they are given preference in the dividend payment. Second preference, they are given preference in the redemption of capital. इसीलिए उनका नाम preference shares है. Because they are given the preference. They are given the first priority. तो preference share का meaning समझने के बाद, अब हम बात करेंगे, how to find the cost of preference share. हमने cost of debt देख लिया, कि debenture के ऊपर कैसे निकलता है cost. अब preference share की cost निकालेंगे. और उसमें दो पोर्शन होंगे, एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इरिडीमेबल होगा. मैं फॉर्मूला आपको समझाऊं उससे पहले एक बात बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर इज का डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है. तो यहां पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर आप डिविडेंड दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आप नहीं बताओगे एज ए एक्सपेंस, because it is not expense. इसलिए आपको टैक्स में जो बेनिफिट मिल रहा था डिबेंचर वाले केस में वो यहां पे नहीं मिलेगा. तो हम जब इसकी फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें टी नहीं आएगा, टैक्स का जो टी वाला पॉइंट था वो आएगा नहीं. तो चलो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो नाम रिडीमेबल है मतलब 5-10 साल के बाद इनका पैसा वापस करना पड़ेगा. तो यहां पे रिडम्पशन वैल्यू आएगी डिबेंचर की तरह. हम प्रेफरेंस शेयर से जो अमाउंट कलेक्ट करेंगे वो नेट प्रोसीड में आ जाएगा. मान लो 100 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर है तो 100 रुपया नेट प्रोसीड हो गया. 100 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर 110 में इश्यू किया तो 110 नेट प्रोसीड हो गया. आप कितने में प्रेफरेंस शेयर को उसकी क्या फेस वैल्यू रखे, इश्यू प्राइस क्या रखी है, उसका इश्यू प्राइस कितने में इश्यू कर रहे हो, दैट इज द नेट प्रोसीड. फॉर्मूला में आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसका शॉर्ट फॉर्म है केपी, के मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्रॉफिट. अब आप ऐसा मत सोचना सर कॉस्ट में तो सी आना चाहिए ना, के क्यों लिखा है. तो सभी ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए हैं. यहाँ पे के लिखा है तो हम के ले रहे हैं. किसी बुक में तो आपको आरपी मिलेगा, आरपी, आर मतलब कॉस्ट, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है. यहाँ पे के है तो हम के यूज करेंगे. पीडी, पीडी का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा वो. आगे वाली फॉर्मूला से आप देखोगे तो वहां पे आई था, यहाँ पे पीडी है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड देना है. आप खाली डी लिखो तो भी चलेगा, वहां पे आई था. अच्छा, वहां पे आई के साथ 1-t टैक्स का पोर्शन मल्टीप्लाई करते थे, जो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. बाकी की चीजें सारी एज इट इज है. आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2. तो पीडी है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, आरबी रिडम्पशन वैल्यू है आप कितना वापस करने वाले हो, एनपी नेट प्रोसीड है कितने में इश्यू कर रहे हो, एन लाइफ है 5-10 साल जो भी उसकी लाइफ है वो. तो ये उसकी फॉर्मूला बन गई. अब इसको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से कंपेयर करो, यही फॉर्मूला है, थोड़ा माइनर चेंज कर दिया ये लोगों ने. 1-1-t की जगह पे आई इंटू 1-t की जगह पे लगा दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड, खाली डी लिख दिया है पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड, बाकी का सब पोर्शन एज इट इज है. केडी के जगह पे हो जाएगा केपी. सो देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला. आप देख सकते हो फॉर्मूला वही है क्योंकि वो भी रिडीमेबल डिबेंचर था, ये भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से. खाली डिफरेंस कहाँ आ रहा है, टैक्स बेनिफिट वाला. यहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं है इसलिए टैक्स वाला पोर्शन नहीं लिया है. वो वाली जो स्लाइड थी उस स्लाइड में आप देख सकते हो टैक्स बेनिफिट का दिया हुआ है. नाउ लेट अस टेक अ एक्सरसाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस.
XYZ Limited issues 2000 10% preference shares of rupees 100 each at 95 each. देखो 2000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, 10% डिविडेंड का रेट है, इस प्रेफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड देना है ऑफ रुपीज 100 इच, 100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर एट 95 इच। यहां पे कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिस्काउंट से इश्यू किया है, 100 वाला प्रेफरेंस शेयर 95 रुपीज में कंपनी सेल कर रही है, मतलब किसी चीज का 100 रुपया हो और मैं 5 रुपया कम लू इस तरीके से। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों किया, क्यों 5 रुपया कम ले रहे हैं, तो मार्केट में कंपनी का रेप्यूटेशन कम होगा और या तो उनको फंड की जरूरत होगी, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिस इज वन टाइप ऑफ इंसेंटिव गिवन टू देम इन्वेस्टर। पर कंपनी को 5 रुपये का नुकसान होगा, 100 की जगह पे 95 मिलेगा। अब आप सोचो 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट, 1 करोड़ अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हो, 1 करोड़ प्रेफरेंस शेयर इंटू 5 करो, तो 5 करोड़ का लॉस होगा। कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं उसके हिसाब से लॉस डिसाइड होगा, तो इट मैटर्स। इसलिए इसको हम कंसीडर करेंगे फॉर्मूला में कि हमें पैसा कम मिल रहा है। बहुत बार हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमको बोलता है 1 लाख का लोन आपको मिलेगा, पर उसमें प्रोसेसिंग चार्ज और दूसरे चार्जेस कट होके आपके हाथ में 97,000 आएगा। तो लाख रुपए का लोन लिया पर हमें मिल रहा है 97, तो हमको 3,000 का जो नुकसान हुआ वो एक कॉस्ट है हमारे लिए। द कंपनी पर प्रपोजिस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल तक कंपनी पैसा अपने पास रखेगी, तो ये इसका 10 ईयर हो गया। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो फॉर्मूला में देखो आप, केपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, और बाकी का एज इट इज फॉर्मूला है जो आगे हमने अभी पढ़ा। प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपया दिया है, अच्छा 10 रुपया कैसे आया, 10% ऑफ 100, भले हमको 95 मिल रहा है पर डिविडेंड तो 100 पे ही देना है, फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड काउंट होगा, तो 10% ऑफ 100 होगा 10। रिडम्पशन वैल्यू, अच्छा हमको मिल तो 95 मिल रहा है पर जब वापस करेंगे तो हम 95 नहीं देंगे, 100 देंगे। कंपनी जब ये पैसा 10 साल बाद वापस करेगी तो 100 वापस करेगी, आज हम 95 कलेक्ट कर रहे हैं पर वापस 100 करेंगे, तो रिडम्पशन वैल्यू आएगा 100, जबकि हमें मिला है 95, नेट प्रोसीड है 95, तो हमें 5 रुपए का नुकसान हुआ है, 100 माइनस 95 5 रुपीज का लॉस। ये 5 रुपए का लॉस हम क्या करेंगे, एक डिबेंचर के पीछे, एक डिबेंचर का हम सॉरी एक प्रेफरेंस शेयर का हम फाइन कर रहे हैं, एक के पीछे इतना नुकसान हो रहा है, इसको 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 5 रुपए का जो लॉस हुआ उसको 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उन्होंने, क्योंकि ये पैसा हम 10 साल तक यूज करने वाले हैं, तो लॉस भी 10 साल तक डिस्ट्रीब्यूट करो, क्यों आज एक ही साल में क्यों हम उसको कंसीडर करें। नीचे एवरेज निकाला है दोनों का, आरबी प्लस एनपी का, 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करते हो तो 10 प्लस 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 करोगे तो 5 आएगा, दैट 5 इज डिवाइडेड बाय 10, और नीचे जो है 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, तो 195 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो 97.5 आएगा। ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कॉस्ट मिल जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, मैं भी थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया है, साइड में मैं थोड़ा कैलकुलेट ले देता हूं।
तो हमारे पास 10 है प्लस 100 माइनस 95 तो 5 आएगा, दैट 5 विल बी डिवाइडेड बाय 10. And this will be divided by 100 plus 95, so hoga 195 divided by 2. आगे उसको करते हैं. अब हमारे पास टेन प्लस फाइव, अब फाइव डिवाइडेड बाय टेन आप करके देख लो, तो टेन तो है प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टेन करता हूं मैं तो पॉइंट फाइव आएगा, 0.5. इसको हम डिवाइड करेंगे, 195 डिवाइड बाय टू करोगे तो आपको मिलेगा 97.5. तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस, the whole is divided by 97.5. आप कैलकुलेटर के ऊपर करके देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा और आंसर आपका आएगा 10 पॉइंट, आपके कैलकुलेटर में तो ऐसा आएगा 0.01077 आएगा. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर आपको जो यहाँ पे दिया है वो मिल जाएगा 10.77%. दिस इज द कॉस्ट. तो यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी कॉस्ट 10.77 आ रही है. ज्यादा आ रही है, हमने इश्यू किया था 10% का प्रेफरेंस शेयर पर उसकी कॉस्ट 10% नहीं है, 10.77 है, दिख रहा है 10% पर है 10.77. क्यों ज्यादा आया? क्योंकि हमको 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर पे खाली 95 मिल रहा है, 5 रुपए का ये भी तो नुकसान हो रहा है. इस 5 रुपए का नुकसान की वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है. तो जब भी कॉस्ट काउंट करते हैं तो जो दिखता है वो तो नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है. आप भी जब किसी बैंक से लोन लेते हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि बैंक हमको इंटरेस्ट क्या बता रहा है और एक्चुअली हम दे कितना रहे हैं. जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं खरीदी करने के बाद. ऐसे तो लिखा होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे 14% इंटरेस्ट या 15% इंटरेस्ट, पर जब रियलिटी में देखोगे तो वो इंटरेस्ट 20 तक पहुंचता है बिकॉज दे आर एडिंग सो मेनी चार्जेस. सो ऑल दिस थिंग मैटर्स. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ फंड, फिर उनका एक एवरेज कॉस्ट निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि जो पैसा हमने कलेक्ट किया है, जो फंड हमने बिजनेस के लिए कलेक्ट किया है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है. और उतना तो रिटर्न हमें अर्न करना ही है इन्वेस्टमेंट से. अगर हम उतना भी रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहे हैं सो देयर इज नो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम यही तो सीख रहे हैं कि आप जब फंड कलेक्ट करते हो तो यू हैव टू अर्न मिनिमम दैट मच अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द फंड प्रोवाइडर, एंड दैट मिनिमम रेट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो सर, ये वाला प्रॉब्लम में ये जो इशू 2000, इस 2000 पर कहीं पर भी कोई ये नहीं है, वो कितना भी हो सकता है. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया. देखो,
अगर मैं 2000 लोग आया तो होगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं होगा, यही सारी चीज आएगी हर जगह पे, मुझे 2000 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2000 शेयर्स है, बराबर है, तो मेरे को डिविडेंड भी 2000 पे देना पड़ेगा, तो 10 रुपए की जगह पे कितना आएगा, 2000 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो वहां पे फिगर खाली बड़ी हो जाएगी। 100 है तो 100 के साथ 2000 मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे 2 लाख हो जाएगा। 95 है वहां पे 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब होगा क्या, अगर आप 2000 से लेते हो तो फिर हर जगह पे 2000 मल्टीप्लाई होगा, अननेसेसरीली अपना कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो शेयर्स कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी फेस वैल्यू से मतलब है, जो 100 रुपया है, हमें रेट से मतलब है, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट जो भी होता है वो फेस वैल्यू पे काउंट होता है। अब यहां पे मैं ऐसी बोल सकता हूं कि 1 शेयर का 10 रुपया, तो हमने तो कितने शेयर इश्यू किए हैं, हमने तो यहाँ पे 2000 शेयर इश्यू किए हैं, तो 2000 × 100 तो 2 लाख रुपया कलेक्ट हुआ, 2 लाख का 10% 20,000, तो फिर यहाँ पे 20,000 आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आप 2000 कंसिडर करना चाहते हो तो फिर हर जगह पे वो आएगा, एवरीवेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई 2000, मतलब 2000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 2000 हो सकता है, लेकिन एक फेस वैल्यू, एक शेयर का रेट जो 100 रुपया है उसी पे जो होना है होगा। हाँ देखो, मैं वो 2000 को लेके भी मैं काउंट करूंगा ना, तो आंसर हमारा यही रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ पीडी, हाँ ये जो पीडी है पहला हमारी फॉर्मूला में, तो अब प्रेफरेंस डिविडेंड है वो, तो हमारे पास कितने शेयर से 2000, 1 का 100 रुपया, तो 2 लाख के शेयर हो गए, तो 2 लाख, हाँ 2 लाख का 10% निकालो कितना आएगा, 20,000 आएगा, पीडी हमारा 20,000 हो गया। अभी इस फॉर्मूला को मैं समझा रहा हूं, 2000 को लेके प्लस, अब मैं बड़ी बड़ी फिगर्स ले रहा हूं, 2000 को लेके रिडम्पशन वैल्यू, रिडीम कितना करना है 100 रुपया, तो 2000 को 2000 शेयर होल्डर को हम वापस करेंगे, 1 को 100 रुपया देना है ऐसा, 2000 को देना है, तो कितना हो गया हमारा, 2 लाख वापस करना पड़ेगा, 2000 × 100 माइनस, जबकि मिला कितना है हमको, 1 शेयर पे 95, तो 2000 पे हमको कितना मिला होगा, 95 × 2000 करना है, 95 × 2000 करना है, ₹1,90,000 मिला है। अब मैं बड़ी फिगर्स ले रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा समझ में आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स से, तो नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास है 10, ये हुआ ऊपर वाला पोर्शन, एंटायर फॉर्मूला विल बी डिवाइडेड बाय अगेन, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन हुआ, नाउ दिस एंटायर फॉर्मूला विल बी अगेन डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। आरबीएफ हमको पता है, हमें रिडीम 2 लाख करना है, 1 शेयर पे 100 रुपया, 2000 शेयर पे 2 लाख वापस करना है, प्लस नेट प्रोसीड हमें पता है 1,90,000 है, 1 शेयर पे 95 मिला है, 2000 शेयर पे हमको 1,90,000 मिला है, इसका एवरेज निकालना है, वहां पे 1-1 शेयर का हो रहा है, यहाँ पे 2000 शेयर का मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पीपीटी में 1 शेयर का बताया है, यहाँ पे मैं आपको 2000 शेयर का बता रहा हूं, तो इस तरीके से लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं ना, हर जगह पे 2000 से मल्टीप्लाई किया है, सो अल्टीमेटली आंसर विल रिमेन सेम। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको नंबर ऑफ शेयर्स भूल जाना है, आपको फेस वैल्यू ध्यान में रखना है और परसेंटेज ध्यान में रखना है। चलो आ रहा है समझ में, समझ रहे हो आप? यस सर। ओके।
तो देखो अगर आप नंबर्स लेते हो कि कितने शेयर इश्यू किए, तो अननेसेसरीली हमारा कैलकुलेशन बढ़ रहा है. व्हाई टू टेक अननेसेसरी मल्टीप्लीकेशन, एवरीवेयर आई हैव टू मल्टीप्लाई देम. इससे अच्छा है मल्टीप्लाई ना करूं और एक शेयर का ही फाइन करूं, वही ओवरऑल सारे शेयर का आने वाला है, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक शेयर का ही फाइन करेंगे. ओके, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसकी फॉर्मूला मोर और लेस रिडीमेबल डिबेंचर जैसा ही है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. कंपनीज ऑल्सो इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स लाइक इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर का रुपया कंपनी कब वापस करती है? जब कंपनी बंद होती है. अच्छा आप बोलोगे सर मार्केट में तो सेल होता है ना वो शेयर, तो वो अलग बात है. मैंने किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे, फिर वो शेयर्स मैंने एक दो साल के बाद शेयर मार्केट में सेल कर दिए, ऑनलाइन अभी तो चलता है सब, खरीदा और बेच दिया, तो वो अलग चीज है, वो ट्रेडिंग अलग चीज है. आपने सेल किया है, किसी दूसरे ने खरीद लिया, कंपनी के पास तो उसका पैसा है. कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन खरीदता है कौन बेचता है उसके शेयर मार्केट में, उसको खाली एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि लोगों का रुपया उसके पास है, वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा जब बंद होगी. तो ये प्रेफरेंस शेयर जो है इरिडीमेबल, उसमें ऐसा है कि इट इज सिमिलर टू इक्विटी शेयर एंड दिस कैपिटल इज रिडीम व्हेन कंपनी इज क्लोज, टिल देन अमाउंट विल रिमेन विद द कंपनी. तो यहां पे तो रिडम्पशन की बात ही नहीं आएगी. रिडम्पशन वैल्यू आरवी कब आएगा? जब आपको 5-10 साल बाद पैसा वापस करना है तब आरवी आएगा. तो यहां तो रिडम्पशन की बात ही नहीं होगी. दूसरा टैक्स, प्रेफरेंस शेयर पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो टी यहां पे नहीं आएगा. इसलिए देखो फॉर्मूला कितनी सिंपल सी बन गई है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालना है तो कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी तय थोड़ी हुआ है कि कंपनी बंद होने वाली है 20 साल बाद 15 साल बाद. नहीं है, कंपनी हैज परपेक्चुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी चलती ही रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे मरेंगे, कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. धीरूभाई अंबानी चले गए, उनके दोनों बेटे भी चले जाएगा, रिलायंस रहेगा, कोई ऐसा बोलेगा कि सर उसकी फैमिली में कोई नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा आके चलाएगा, कंपनी तो मार्केट में रहेगा ही. तो रिडम्पशन वैल्यू नहीं है. तो जब रिडम्पशन वैल्यू ही नहीं है क्योंकि इरिडीमेबल है, तो लेना क्या है हमको? खाली नेट प्रोसीड. तो यहां पे फॉर्मूला में आप देखो प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द नेट प्रोसीड, जिसके लिए लिखा है P0. आप NP लिखोगे तो भी चलेगा. फॉर्मूला में आप क्या लिखते हो? दैट इज इमटेरियल. मैंने यहां पे लिखा है बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक. अगर आप PD अपॉन NP लिखते हो दैट इज ऑल्सो ओके. तो इसकी कॉस्ट बहुत सिंपली आप फाइंड करोगे. एक एक्सरसाइज से समझ लेते हैं. XYZ कंपनी इश्यू 2000 प्रेफरेंस शेयर से 10% का प्रेफरेंस शेयर है ऑफ 100 ईच एट 95. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. कितने शेयर इश्यू किए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेट 10%. फेस वैल्यू 100 रुपया, 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपया. नेट प्रोसीड क्या आ रहा है? हमें 100 रुपये नहीं मिल रहे, हमको 95 मिल रहा है, क्योंकि 100 वाला प्रेफरेंस है 95 में सेल किया. तो PD आएगा 10 / P0 95, तो 10/95. अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते तो ऐसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2000 के साथ. एक शेयर पे 10 रुपया देना है डिविडेंड, तो 2000 पे देना पड़ेगा 20,000. एक शेयर पे 95 मिल रहा है तो 2000 पे हमको मिलेगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1,90,000. अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा जो पहले हम डायरेक्ट लिख दे, 10/95. सो इट इज इमटेरियल टू राइट दिस नंबर्स. तो यहां पे कॉस्ट आ रहा है 10.53. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को, अगर आप अच्छी तरीके से समझे हो तो,
कंपनी बता रहा है कि 10% का प्रेफरेंस शेयर है, पर जब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमको कॉस्ट दिख रहा है कि 10% नहीं 10.53 आ रहा है। क्यों कॉस्ट ज्यादा आ रहा है? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस कॉस्ट इज हायर? लोगों को लगता है कि कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है, कंपनी का कॉस्ट 10% है, पर नहीं, ये तो 10.53 बता रहा है कॉस्ट। क्यों ज्यादा आया? व्हाट इज द रीजन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था इसका रीजन। यस प्लीज, वो 5 रुपया जो कम करके ये कर रहा है, 100 ईच का 95 ईच कर रहा है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। यस सही बात है आप लोगों की, कि हमको 100 रुपये की जगह पे 95 मिल रहा है, तो 5 रुपये का ये जो नुकसान हुआ वो हमारी कॉस्ट हो गई, कंपनी की ये कॉस्ट हो गई कि कंपनी को 5 रुपया कम मिल रहा है। एक शेयर पे 5 रुपया कम मिल रहा है, इसे 2000 शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने, 10,000 रुपया कम मिला, तो ये 10,000 रुपया जो कम मिला है उस वजह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आप बैंक से पीएल लेते हो, पर्सनल लोन, या तो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, तो जो रेट दिखता है वो नहीं होता है। वो तो बता दिए कि 14% से आपको पर्सनल लोन दे रही है, या तो 14% आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लग रहा है इंटरेस्ट, बट नहीं होता ऐसा। रियलिटी में रेट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, सो दैट वी शुड काउंट बिफोर टेकिंग द पीएल एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। One can manage the fund, one can come to know the cost of collecting fund from the market. तो बहुत सारी practical चीजें हम इस subject में सीखने वाले हैं, जो आपकी practical life में भी आपको बहुत useful होगी। ये हो गया cost of redeemable preference share। एक बार revise करवा देता हूँ कि आज हमने कौन सी चीजें cover की है। So we began with the chapter cost of capital, जिसका meaning मैंने आपको बताया। This is the return which is expected by the investor. Here investor is the company. Company is investing fund of the people. So company expect return. Then projected and company cost देखा। Then cost of debt, जिसमें हमने redeemable debentures की बात की। इसमें भी इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर डिबेंचर रिडीमेबल ही होते हैं, इसलिए हमने खाली रिडीमेबल वाला पॉइंट लिया है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, गलती बच्चों की कहाँ होती है? तो बच्चों की गलती होती है कि यहाँ पे आरवी माइनस एनपी करने की जगह पे आरवी प्लस एनपी कर देते हैं, ये आप मत करना। नीचे आरवी प्लस एनपी की जगह पे आरवी माइनस एनपी हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्लस है ऊपर माइनस है। अच्छा, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ है क्योंकि हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं, ऊपर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है क्योंकि हम जो भी डिफरेंस आएगा उसको सिक्योरिटी की लाइफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है सारी फॉर्मूला में। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कवर होने के बाद हमने आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात की। दो तरह का प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड देना होता है, इसलिए टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, और ये उसकी फॉर्मूलाज देखिए। आने वाले वीक में हम अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, यहाँ पे आज हम स्टॉप हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, मैं वो सारी पीपीटी शेयर कर दूँ। चलो, now you can leave. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you.